हो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी क्लास है 23 और डे है 23। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, पहले जाएं लास्ट वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आइएगा, बिकॉज ये वीडियो इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इस वीडियो की समझ आएगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में किया, हमने मे और कैन का इस्तेमाल किया, जो कि मॉडल्स हैं। और मॉडल्स क्या करते हैं, जो आपको मूड बताते हैं। और हमने बात की वर्ब की। वर्ब में चार चीज़ें होती हैं, एक्शन होता है, और जो एक्शन जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, उसमें स्टेट होती है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उसमें हेल्प होती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और आप का जो वर्ब है वो मूड भी बताता है, विच इज़ कॉल्ड मॉडल्स। तो आज हमने लास्ट वीडियो में मॉडल्स की बात की थी, यानी कैन की और मे की बात की थी। रिपीट कर रही हूँ, रीकैप कर रही हूँ। कैन क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है, एबिलिटी बताता है। और मे परमिशन के लिए, विश के लिए, और इसलिए इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मॉडल्स जो हैं, आज हम बात करेंगे माइट और कुड की। लेकिन आज मैं आपको मॉडल्स का एक बहुत अच्छा फंक्शन बताऊंगी, जिस तरह से जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो कॉमन स्पीकर हैं उसको इनके बारे में नहीं पता। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, मॉडल्स हमारा लर्निंग आउटकम है, और हमने बात की वर्ब की, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसी तरह से मॉडल मूड को मॉडल्स कहते हैं। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इट विल रेन, इसका मतलब है कि बारिश होगी, इसमें है यकीनन होगी। और इट मे रेन, शायद हो। और अगर आपने इसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करनी है तो आप कहेंगे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, शायद बारिश हो, शायद ना हो। तो इस तरह से आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं, हमने कैन और मे की बात की थी, अब हाँ आज हम बात करें कुड और माइट की। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम, अब हम वाज की बात कर रहे हैं। वाज की जब हम बात करेंगे तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ही सेड आई माइट गो, सेड की अब बात कर रहे हैं तो ये पास्ट है, तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने याद रखना है, आपने जब बात हो रही है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई कुड स्विम, तो मैं स्विम कर सकता था, राइट, आई कुड स्विम। तो आई कैन स्विम नहीं होगा, आई कुड स्विम होगा। इसी तरह ही सेड आई माइट गो, उसने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, ही सेड आई माइट गो। इस तरह से कुड और माइट का इस्तेमाल होता है। और बिल्कुल इसी तरह से आई थॉट यू माइट बी देयर, आई थॉट यू मे बी देयर, अक्सर ये बोलते हैं लोग, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप थॉट कह रहे हैं और यहाँ पे आप माइट का इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या? आई थॉट, मैंने सोचा आप वहां होंगे, आई थॉट यू माइट बी देयर, राइट, मैंने सोचा आप वहां होंगे। अब ये छोटी सी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया, इसी तरह मैं आपको बताती हूँ। आपसे किसी ने पूछा आप पार्टी में आएंगे, तो आपको श्योर है, यू आर सर्टेन कि आप जरूर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई विल कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगा। अगर आप कहेंगे आई मे कम टू द पार्टी, प्रोबेबिलिटी है आई मे कम टू द पार्टी, राइट। और अगर आपने इससे भी नीचे जाना है, मतलब अब आप पहले आपको श्योर है आप आएंगे, फिर आपको 70% तक श्योर है आप आएंगे, तो आपने कहा आई मे कम टू द पार्टी। पहले आपने कहा आई विल कम टू द पार्टी, फिर आपने कहा आई मे कम टू द पार्टी। अब और आपने इसको कम करना है, तो आप कैसे कहेंगे? आई माइट कम टू द पार्टी। तो ये आपकी लेस प्रोबेबिलिटी होगी। पहले विल था आएंगे, उसके बाद मे आ गया प्रोबेबिलिटी, उसके बाद और कम करना है तो आई माइट कम टू द पार्टी, और उसके बाद आई कुड कम टू द पार्टी। जब आपको श्योर ही ना हो कि आपने आना है या नहीं आना, तो आप कह सकते हैं आई कुड कम टू द पार्टी। तो आप ये देखिएगा, विल से आपने विल कहा, उसके बाद मे कहा, उसके बाद माइट कहा,
उसके बाद कुड कहा तो आपने प्रोबेबिलिटी को स्लो बाय स्लो नीचे कर दिया। ओके, तो अब और एक इस्तेमाल आप देखें, कैन का इस्तेमाल तब होता है जब आपने फॉर्मल बात करनी हो। कैन का मे का इस्तेमाल तब होता है जब आपने फॉर्मल बात करनी हो, राइट। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने इनफॉर्मल किसी फ्रेंड से बात करनी है, अगर आपने किसी बड़े से बात करनी है, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई टेक योर बाइक, मे आई टेक दिस, तो आप मे का, दिस इज वेरी मच यू कैन से फॉर्मल, यू नो, एक महज़ब तरीका है। लेकिन अगर आपने किसी अपने फ्रेंड से कहना है तो आप क्या कहेंगे? आप मे थोड़ी कहेंगे, आप कहेंगे कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू डू दिस फॉर मी, तो आप कैन का, यानी ये इनफॉर्मल वे है, आप कैन का इस्तेमाल तब करेंगे। लेकिन कुड का इस्तेमाल जब आपने बहुत पोलाइटली कुछ कहना है, किसी से परमिशन लेनी है, या थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहना है, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने किसी से कोई पेन, किसी स्ट्रेंजर से पेन लेना है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे मे मे आई टेक योर पेन, या आप कहेंगे कैन आई टेक योर पेन, आप कहेंगे कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ये पोलाइट वे है आपके डिनर के लिए के, तो आप वहाँ पे बैठे हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कैन और मे की जगह कहें कुड, तो कुड इट मोर पोलाइट एंड समथिंग यू कैन से हेजिटेंट भी होता है, और स्ट्रेंजर्स के लिए आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मल तरीके से मे, और इनफॉर्मल तरीका होता है कैन, और कुड होता है वेरी पोलाइट, यहाँ जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा, कैन और मे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उम्मीद है आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा। कुड और माइट हमने इस वीडियो में सीखा, आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने इस्तेमाल में लेके आइएगा, और इसको बोला करें, ताकि प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको इंग्लिश याद रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें आपने क्या सीखा, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ, जो आपको ना पता हो या जो आपको पता हो और आपको करने में मुश्किल हो रही हो, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।